हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और यहाँ पे सुबह का काम शुरू हो गया है, कुछ हो गया है, कुछ अभी बचा है, तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए हैं और आज यही से वीडियो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि काम ही काम करना होता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर काम के साथ वीडियो भी बनानी होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ब्लॉगिंग करते हैं, जिनको जिनका चैनल है ब्लॉग का और जो ये सब काम करके दिखाते हैं, उनको पता होगा कितना टाइम लगता है। और मैं यहाँ पे अभी पोछा लगा रही हूँ। अगर पूरे जितना काम होता है दिन भर का, अगर इसमें पूरा दिखाया जाए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और इतना टाइम भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सुबह में पोछा लगा रही हूँ, तो वही इसमें वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आजकल पता नहीं मेरा नोटी नहीं जाता है या क्या होता है, क्योंकि बहुत कम लोग आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास मेरा नोटी आता तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो में आएँ। और अगर आप लोग ज़्यादा नहीं भी देखते तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखो। एक या दो मिनट देखकर आप कमेंट करके अगर जाएंगे तो मैं भी आपके वीडियो में आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों का नोटी नहीं आता है। इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि अगर आता है तो आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद थोड़ा सा बाथरूम नीचे में गंदा हुआ था, मैं पूरा तो नहीं कर रही थी, थोड़ा सा नीचे में ही कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था और भी काम बहुत थे। सुबह के समय बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर से शुरू किया जाए। और यहाँ पे ये सब डेली के काम हैं, रोज़ काम होते हैं ये घर पे, लेकिन रोज़ वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा यहीं पे से थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और आजकल मैं जो एक 32 बार वाला फार्मूला है, जो मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे बहुत फ़र्क हो रहा है उससे। तो मैं अभी इसमें इसका वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं क्या कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फिर सब काम हो गया था, फिर मैं गई हूँ किचन में। इस समय जो भी खाना बनाना होता मैं सब बना लेती हूँ। इस समय 10 बजे हुए हैं। सब्जी और चावल, रोटी और कढ़ी बनाई है मैंने। तो हम लोग दो ही टाइम खाते हैं, अगर भूख लग जाती तो बेटे दिन में खा लेते हैं, नहीं तो खाना खाने तक 11 बज जाता है। सुबह नाश्ता वास्ता नहीं करते हैं, बस दूध पी लेते हैं। अगर ड्यूटी वाले होते, स्कूल वाले होते तो सुबह नाश्ता बनाना होता, तो ये लोग नहीं खाते हैं सुबह। तो हम 10-11 बजे के टाइम पर ही बना लेते हैं रोटी सब्ज़ी, जो भी खाना होता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी की कढ़ी दही डालकर, बहुत अच्छी होती है। और सब्ज़ी बना दी है मैंने, पत्ता गोभी, टमाटर और आलू की। यहाँ पे ये देखो, मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है कढ़ी, मुझे भी अच्छी लगती है, पर रोज़ नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा चाय बना रही हूँ। ये मुझे फिर एक बार सुबह चाय पीती हूँ तो जल्दी में होता है, फिर दोबारा काम ख़त्म होने के बाद मैं बहुत आराम से पीती हूँ चाय, तो उसका स्वाद अलग ही होता है। और ये मैंने रख लिया है खाना अपने के लिए, दो रोटी हैं और सब्ज़ी, कढ़ी और चावल। मैं चावल बहुत कम खाती हूँ। आज मैं जो 32 बार के फार्मूले में बताया जाता उसी तरीके से खा रही हूँ खाना। मैं वैसे 5 मिनट में खाना खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने 15 मिनट में खाना खाया। और ये वीडियो मैंने फास्ट किया है, अगर ज़्यादा पूरा लगता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। 5-6 मिनट की वीडियो ये हो गई थी ये खाते हुए, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी में कर दिया है और कट किया है बीच बीच में से। और अच्छा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, इससे बहुत फ़र्क तो हो रहा है। अभी 3-4 दिन हुए हैं मुझे, क्योंकि पहले ट्राई करना चाहिए फिर सही रहता है। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर खा रही हूँ। और मैं वैसे एक रोटी के 4 या 5 टुकड़े करती हूँ, लेकिन उन्होंने बताया है कि एक रोटी के 12 टुकड़े करो, यानी 12 पीस, और उसको बिल्कुल बारीक बारीक करके 32 बार चबाकर खाओ। और ये सच है, मैं खाना खाने में आज पहली बार मैंने 15 मिनट या शायद 20 मिनट दिए हैं खाना खाने में, नहीं तो मैं 5 मिनट में ही खाना खा लेती हूँ। और कभी कभी इतनी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी में ही खा लेती हूँ, मैं खड़े खड़े भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके से बैठ कर और 15-20 मिनट खाने के लिए अपने के लिए टाइम निकाला है। और ऐसे ही मैं ट्राई करूंगी, और बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी ट्राई करते रहूंगी। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। हम दिन भर काम करते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने
शरीर के लिए टाइम दे तो शायद अच्छा रहेगा। और हम लोग पहले नहीं समझते हैं क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, लेकिन जब परेशानी होती तब पता चलता है कि हमने अपने के लिए टाइम नहीं दिया। तो मैं अब अपने के लिए टाइम निकालती हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि खाना भी मैं आराम से खाऊँगी। तो आज मुझे खाना भी बहुत मन बिल्कुल भी नहीं हुआ था खाने को, फिर भी मैंने इतने बार चबा चबा के खाया तो उसमें स्वाद अलग ही आ रहा था इस खाने का। और आप लोग भी ट्राई करें कैसा होता है। पर थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो उसके हिसाब से आज मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा और थोड़ा मुंह में हो रहा था कि अलग सा हो रहा था। स्वाद तो आ रहा था लेकिन थोड़ा सा दर्द भी हो गया था मुंह में मेरे। और आप सभी का दिल से धन्यवाद और थैंक यू।